दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्म फेयर अवार्ड कांतारा फोन बूथ और टॉम क्रूज के मूवी के बारे में कुछ न्यूज। नंबर वन, ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ा फिल्म कांतारा 14 अक्टूबर को हिंदी में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का तेलुगु वर्जन 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगा। मलयालम डब को लेकर भी मेकर्स ने कोई डेट अनाउंस नहीं की है। नंबर टू, MS धोनी अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। लेस सिनेमा के एक ट्वीट के मुताबिक धोनी एंटरटेनमेंट नाम की उनकी कंपनी तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषी फिल्मों को प्रोड्यूस करेगी। नंबर थ्री, कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में सिद्धार्थ और ईशान भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं और कैटरीना कैफ ने एक भूत का किरदार निभाया। फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर फोर, टॉम क्रूज अपनी अगली फिल्म के लिए अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले हैं। स्पेस वॉक में अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट अपनी विमान से बाहर निकलता है। अगर टॉम ऐसा कर लेते हैं तो वो अपने स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करने वाले पहले हम नागरिक होंगे। 2020 में न्यूज आई थी टॉम क्रूज अपनी अगली फिल्म के लिए स्पेस में जाकर स्टंट करने वाले हैं। फिर कोरोना महामारी की वजह से इस प्रोजेक्ट में काम रुक गया था। बताया जा रहा है फिल्म में टॉम के किरदार पर पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी होगी। नंबर फाइव, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 की शूटिंग पूरी हो गई है। बता दे दृश्यम 2 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। नंबर सिक्स, कमल हसन की इंडियन 2 फिल्म अगले साल की दशहरा या दिवाली को रिलीज किया जाने का प्लान है। पिंक विला के रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स मार्च 2023 तक शूटिंग पूरा कर लेंगे। मेकर्स ने बताया फिल्म में VFX का भी इस्तेमाल होगा, खास तौर पर कुछ गानों और एक्शन सीन्स के लिए। नंबर सेवन, मनोज बाजपेयी एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग 9 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। नंबर एट, एक्टर पुनीत राजकुमार की पत्नी अश्विनी ने उनके आखिरी फिल्म गंधादा गुरी का ट्रेलर ट्विटर पे शेयर किया। उन्होंने PM मोदी को भी ट्वीट किया, जवाब में PM फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। ये फिल्म 28 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर नाइन, 2022 की फिल्म फेयर अवार्ड में साउथ की विनर अनाउंस की गई। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइस के तेलुगु सिनेमा की श्रेणी में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला। उनकी फिल्म ने बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर सुकुमार ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। वही लव स्टोरी के लिए साई पल्लवी ने बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड जीत लिया। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी फिल्म पसंद है और कौन कौन सी फिल्म देख चुके हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना।